काफी बदली हुई लग रही है। थैंक यू, आई एम श्योर ये चेंज अच्छा लग रहा होगा आपको। बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कुछ बताएंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? अभी लंदन शूट करके आई हूँ तीन फिल्मों का। एक फिल्म है बेवफाई जो चिंटू जी के साथ है, एक गाना किया है मैंने पवन जी के साथ उनके फिल्म में, और लास्ट में मैंने रितेश जी के साथ एक फिल्म की है रितेश पांडे जी के साथ, अतीत उसका नाम है, अनिल नैना ने डायरेक्ट किया है और बहुत अमेजिंग फिल्म है। आई थिंक मेरे करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म मैं करके आई हूँ और बहुत उत्साहित उस फिल्म के लिए। और आने वाली फिल्म है मेरी, मुझे कुछ कहना है आने वाली है, कहानी आने वाली है, ये दो फिल्में आने वाली। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि दो तीन फिल्मों की बात चल रही है और थोड़ा वेट कम करने के बाद मैं थोड़ी सी चूजी हो गई हूँ फिल्मों को लेकर, कौन सी करूँ कौन सी नहीं करूँ, और स्विच करना चाह रही हूँ इंडस्ट्री को। मैं चाह रही हूँ कि मैं बाहर भी काम करूँ, हिंदी में भी काम करूँ, पंजाबी में काम करूँ और ज़्यादा उन पर ज़्यादा फोकस करूँ। सो हाँ, बहुत सही चीज़ें लाइनअप है, बट अभी क्योंकि लंदन के आने के बाद थोड़ी नींद ठीक करने में लगी हूँ, रूटीन बनाने में लगी हूँ, तो वही कर रही हूँ। अभी कुछ ऐसा मेजर है नहीं, अभी 10-15 दिन थोड़ा बॉडी पे और ध्यान दूंगी, थोड़ा बॉडी और अच्छे टोन्ड करूँगी, वो उसके बाद एक अच्छा फोटोशूट कराऊँगी, ये मेरी प्लानिंग है। आई थिंक यही हुआ कि काफ़ी सालों से जैसा आप बोल रहे हो, आप मुझे देखते आ रहे थे और 10 साल से ऊपर हो गए थे इंडस्ट्री में काम करते करते, तो मुझे लगा कि अब अगर मुझे काम करना है इंडस्ट्री में तो मुझे डिफरेंट दिखना ही पड़ेगा, मुझे अलग दिखना पड़ेगा तो ही, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा है। अब जो हीरोइंस आ रही हैं वो एकदम पतली दुबली आ रही हैं, और आपको अगर उनके बीच में अपनी जगह बनानी है और आपको अपने आप को मेनटेन करते हुए चलना है तो आपको डिफरेंट दिखना पड़ेगा। और लास्ट में जब अपने आप को मैंने आईने में देखा था, मैं बहुत मोटी हो गई थी और इस और डिप्रेस हो गई थी अपने आप को वैसे देख के, और मुझे लगा था कि हीरोइन को ऐसे नहीं दिखना चाहिए, और मैंने बहुत रोई उस दिन और ये सोचा कि अब अनारा जब लोगों को दिखेगी वो बहुत अलग रूप में दिखेगी, और टचवुड मेरी मेहनत 1.5 साल की जो मेरी मेहनत है वो सफल हुई, और आज लोग जब मुझे देख रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि अरे ये तो वो अनारा है ही नहीं जिसको हम जानते थे, तो अच्छा लग रहा है सुनकर। एक एक्साइटमेंट लेवल अलग था कि अरे हम लोग भोजपुरी फिल्म के लिए लंदन जा रहे हैं, क्योंकि जनरली भोजपुरी फिल्मों के लिए हम यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं या गुजरात भी हम लोग शूट करते हैं, बट यस ये नया था कि हम लोग भोजपुरी फिल्मों के लिए लंदन जा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और यस वो एक्साइटमेंट कहना कि बरकरार रहता है कि कैसे आपकी भोजपुरी फिल्मों में वहाँ के कलाकार काम कर रहे हैं और आपका जो सारा सेटअप है, आपके लाइन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अंग्रेज़ हैं वहाँ के, सो अच्छा लग रहा था उनके बीच में काम करके, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक्साइटिंग था ऑफ कोर्स, क्योंकि अलग देश में जाके आपको अपनी भाषा में काम करना है और लोग फिर पूछते हैं कि अरे भोजपुरी, तो उनको भी हमने बताया कि भोजपुरी क्या भाषा है, उनको भी हमने सिखाई भोजपुरी सारे अंग्रेज़ों को, तो मज़ा आया। मेरी चिंटू जी के साथ इस साल की दूसरी फिल्म है, अभी मुझे कुछ कहना है मैंने लास्ट दिवाली पे कंप्लीट की है और कल उसकी डबिंग ख़त्म कर दी मैंने, और आई थिंक केमिस्ट्री तो लोगों को नज़र आने वाली है। जैसी एटीट्यूड वाली मैं मुझे कुछ कहना मैं हूँ कि एकदम अपने ही उसमें चलती हूँ, इसमें भी सेम अनारा लोगों को जब दिखेगी एकदम ऐसे दिखेगी एकदम एटीट्यूड में कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, सो वही लुक है मेरा। और ट्रायंगल लव स्टोरी है मेरे चिंटू और काजल जी के बीच में, बट वो बाद में पता चलेगा कि वो ट्रायंगल लव स्टोरी नहीं है, वो सब सोची समझी चाल है मेरी ये सब करने की। तो यहाँ इंटरेस्टिंग मज़ेदार करेक्टर है वो, मतलब डिफरेंट चीज़ मैंने पहली बार किया है ऐसा, तो अब मुझे अच्छा लगा कि मैंने जितनी फिल्में लंदन में की हैं वो सब एक से एक अलग फिल्म करके आ रही हूँ। यस, उनके साथ गाना मैंने बहुत सालों के बाद किया और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत टाइम के बाद हमने एक साथ में काम किया, और अच्छा लगता है जब आप बहुत टाइम के बाद अपने को आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, एक एनर्जी लेवल आपका डिफरेंट होता है। वो पूरा होल एंड सोल मेरा ही गाना था और आई थिंक पवन जी का वन ऑफ द बेस्ट हिट ट्रैक होने वाला है, सुपर ट्रैक होने वाला है, ब्लॉकबस्टर ट्रैक होने वाला है जब वो आएगा, उनके फैंस को बहुत पसंद आएगा वो ट्रैक, आई एम श्योर। पवन जी इज अ वेरी जेल, बड़े आराम से कूल,
पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही हैं. मतलब टचवुड, मुझे लगता है कि हमारे ही भोजपुरी में जितने भी एक्टर्स हैं, जो सुपरस्टार एक्टर्स हैं, वो बहुत चिल हैं. उनके साथ काम करके आपको कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे चिंटू के साथ मैंने पहले भी काम किया है मोहब्बत में, और अब भी काम कर रही हूँ, तो मे बी शायद केमिस्ट्री हमारी बड़ी होगी, चीज़ें ज़्यादा अच्छी हुई होंगी, और वो दिखता है स्क्रीन पर. आपके जब को आर्टिस्ट के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है. रितेश जी के साथ मैं पहली बार काम कर रही थी, और वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था. बट ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे इंसान है वो. उनके साथ काम करके अलग मज़ा आया. उस फिल्म में मेरा बहुत अलग रोल है, उसमें एक आत्मा और एक नॉर्मल इंसान की लव स्टोरी है. तो आई थिंक लोगों को वो देख के बहुत मज़ा आने वाला है कि एक सोल और एक आत्मा और एक नॉर्मल इंसान में लव स्टोरी कैसे हो सकती है. तो वो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है वो फिल्म. आई एम श्योर जब वो आएगी और लोगों को भी बहुत पसंद आएगी वो फिल्म. आजकल बहुत सारी जो सिंगर लोग मुझे बोल तो रहे हैं कि आप भी गाना गा लीजिए, आपकी आवाज़ अच्छी है. बट मेरा ये मानना है पूजा कि आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे करनी है कि नहीं करनी. जैसे वेट लॉस का भी मेरा दिमाग में एकदम कर देना है ऐसा वाला था. तो आई एम श्योर मे बी आने वाले कुछ टाइम में शायद कर लूँ, गाना गाई दूँ, मैं भी लगे हाथ ये अपनी अगर मैं अपनी जट वो पूरी कर दूँ, गाना गा के म्यूज़िक एल्बम निकाल दूँ. आई एम श्योर करूँगी तो उसमें बहुत शिद्दत मेहनत करके करूँगी, और ऐसा करूँगी कि मेरे फैंस को मुझ पे प्राउड होगा. ऐसा नहीं करूँगी कि करना था तो इसलिए कर दिया. आई एम श्योर प्राउड होगा कि मेरे फैंस को कि अनारा ने गाना भी गाया तो वाह अच्छा गाया वैसा वाला. थैंक यू सो मच, थैंक यू.